पीएम मोदी के लक्षद्वीप के दौरे पर टिप्पणी करना अब मालदीव के मंत्री के लिए भारी पड़ गया। अब इसके बाद मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम शिनुआ को अब सस्पेंड कर दिया है। मालदीव सरकार ने मिनिस्टर मरियम शिनुआ, मालशाह और हसान जिहान को अब सस्पेंड कर दिया है। इन तीनों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर काफी विवाद हो गया था और सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। इसको लेकर भारत के उच्चायुक्त ने भी मालदीव के मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई थी और अब मालदीव सरकार ने अपने तीनों ही मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। इन तीनों मंत्रियों की टिप्पणी के बाद मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है और उसने बयान जारी करके कहा कि ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का ये प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मालदीव सरकार ने कहा है कि सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए और ऐसे तरीकों से राय रखें जिससे नफरत, नकारात्मकता न फैले और मालदीव और उसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा न आए। इसके अलावा सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। इस बयान के बाद अब खबर आ रही है कि तीनों को ही मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब मालदीव की सूचना और कला उपमंत्री मरियम शिनुआ ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करने के बाद अपमानजनक टिप्पणी की। मरियम ने इजराइल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और तो और मालदीव में भारतीय सेना की उपस्थिति को लेकर भी सवाल किए। हालांकि जब लोगों ने उनको निशाने पर लिया तो उन्होंने सारे अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। मरियम के अलावा मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता जाहिद रमीज की भी खिसियाहट पीएम मोदी की तस्वीर पर देखने लायक थी। उन्होंने लिखा कि आइडिया बढ़िया है, हालांकि हमसे कंपटीशन का विचार भ्रामक है। ये लोग हमारे जैसी सर्विस दे सकते हैं, इतना साफ सफाई कैसे दे सकते हैं। होटल के कमरों की महक सबसे बेकार चीज होगी। जिसके बाद लोगों ने हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करा दिया और इसके बाद मालदीव सरकार को अपने ही मंत्रियों और अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेना पड़ा। मामला इतना बढ़ गया कि अब मालदीव को भारत के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।